दीपक रजक डीजीएनआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है अभी तक की प्रमुख खबरें। म्याना में नगर पंचायत के मुद्दे को लेकर बालाजी को सौंपा गया ज्ञापन। म्याना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में लिखा है कि मामा जी, आपने 8 साल पहले म्याना को नगर पंचायत बनाने का वादा किया था, उसको अमल किया जाए, अन्यथा अनशन पर बैठ जाएंगे। क्योंकि नगर पंचायत को मुद्दे को लेकर 5 दिवसीय धरना हम पहले भी दे चुके हैं, पर प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिख चुके हैं, उसका अभी भी कुछ नहीं हुआ। गुना प्रभारी मंत्री को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 तारीख को आमरण अनशन की घोषणा की थी, परंतु SDM से आज्ञा न मिलने के कारण उसे भी स्थगित कर दिया गया। तो सोचा कि ज्ञापन और लेटर से ही कुछ हो जाएगा। इसके बाद भी म्याना की कोई सुनवाई ना होने के कारण अब आमरण अनशन पर बैठा जाएगा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभय व्यास और प्रेम सिंह राजपूत ने बताया कि अब आगे आमरण अनशन ही किया जाएगा। वीर हनुमान जी महाराज विषय मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के संबंध में म्याना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के संबंध में प्रभु सादर नमन करते हुए आपके चरणों में निवेदन करते हैं। म्याना के चहुमुखी विकास हेतु म्याना को नगर पंचायत का दर्जा आवश्यक हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपनी आज हमने श्री हनुमान मंदिर म्याना को ज्ञापन दिया है। हमने पूर्व में भी बहुत आवेदन दे चुके, लेकिन हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। हमारी मुख्य मांग म्याना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी म्याना के साथ वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं। निकट में हम एक आमरण अनशन करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो चाहे हमारी जान चली जाए, हम उस आंदोलन को स्थगन नहीं देंगे। धन्यवाद। सोनेरा से आए ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर दिया जन सुनवाई में आवेदन। भमोरी तहसील से आज ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मिले। इस गांव में 5 हैंडपंप है, पर चलता कोई भी नहीं है। साथ ही नल जल योजना का कोई लाभ इन ग्रामीण वासियों को नहीं मिला है। इस बात को लेकर उक्त ग्रामीण आज कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। तो ही नहीं होता, ट्यूबवेल से भरवा दो किसान ने, किसान ने भरवा के नालों में आप टीम भेजो और बस पानी से आप भी करवाओ, तुम बताना आप मुझे, ठीक है? कल बता दीजिए क्या पाएगा। खुद नहीं ली, क्या कारण है ये? देखिए जन सुनवाई में पहली बार मामला आया, बड़ा गंभीर मैंने पानी देखा है और हमारी ये सरकारी प्रतिनिधि है, सरपंच है गांव की, लेकर के आई हुई है। पानी बहुत ही गंदा है, प्रथम दिशा मैंने भी देखा है और हमारी पूरी टीम आज ही जा रही गांव पे। हम सारे जल स्रोतों को सैंपल लेंगे, पूरा जांच करेंगे और इसका एक दिन में या कल तक सैंपल निकालेंगे। लोगों को अच्छा पानी मिला, शिकायत प्रथम से सही पाई गई है। हमारी टीम आज ही रवाना हो रही गाँव के लिए। जाट मोहल्ले का पुराना विवाद पहुंचा जन सुनवाई में। मीना कुशवाहा का आरोप है कि मकान के निर्माण पर स्टे होने के बाद भी पड़ोसी मकान का निर्माण कार्य करा रहा है और पुलिस भी उसी का पक्ष ले रही है क्योंकि वो पैसे वाला है। समझ से परे है कि जब कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो कैसे कोई पुलिस वाला जबरिया निर्माण कराने के लिए पीड़ित पक्ष पर दबाव बना सकता है। इनको दस्त लग रहे हैं, भैया विकलांग है, हम लोग इतना पैसा देंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? पैसे मांगे थे पुलिस तुम्हारे फेवर में बोला, अभी फेवर में नहीं है हमारे। क्या नाम है आपका? मीना कुशवाहा, मेरी बहन का नाम सीमा कुशवाहा। कहाँ रहती है? जाट मोहल्ले में।
और ये भैया है मेरा उमेश कुशवा, ये मम्मी है शांति कुशवा। बताएं क्या क्या मामला? हमारे पिताजी उसमें दुकान करते थे, निकास हमारा है शुरू से वहाँ पर। अब है ना कोर्ट में केस चल रहा है, जब हम भी कुछ नहीं कर सकते, स्टे लग रहा है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता ना। एसडीएम ने आदेश कैसे दे दिया, जांच के लिए दिया है और वो केरिया के आदेश दे दिया। पुलिस द्वारा टीम ठोकना चाहता है, फर्जी पुलिस को लेके आया और बोले है ना फर्जी, क्या वो तो पुलिस वाले थे और मैडम भी थी कोई रियाना करके, और है ना हमको खींच खींच के अलग कर रही है और चादर ठोकने के कह रहे हैं कि इनको चादर ठोक ले। इससे पहले आपने और भी कहीं आवेदन दिया? दिए बहुत जगह दिए, एसपी साहब को वहाँ पे भी दिए, एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं है हमारी, हमारी सुनवाई 9 बजे जा रहा है और 5 बजे फिर बुला रहे हैं। 100 पे 5 बार फोन लगाया मैंने, जब वहाँ से भोपाल से फोन आया कि आप जाओ और आप रिपोर्ट लिखवाओ, तब 5 बजे हमारी रिपोर्ट लिखी गई, जबकि 9 बजे से भटक रहे थे हम लोग दोनों बहने। क्या नाम है आपका? मीना कुशवा। जनसुनवाई में पहुंचकर विकलांग ने मांगी स्कॉलरशिप। अपनी पढ़ाई को लेकर एक विकलांग युवक आज कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचा। उक्त युवक रामनगर का रहने वाला है। मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पा रही है, जिसके शासन द्वारा मतलब उन्होंने घोषणा की थी 40% से अधिक विकलांग होगा तो उसका समस्त प्रकार का खर्चा सरकार उठाएगी, लेकिन ना मुझे किराया खर्चा मिल रहा है, ना किसी प्रकार की शिक्षण फीस माफ़ की जा रही है। मुझे आर्थिक परेशानी मेरी है और आर्थिक स्थिति खराब है, जिस कारण मेरी पढ़ाई में मतलब कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं जब जाता हूँ उसकी मेरी सुनवाई नहीं होती है, और मतलब अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास अभी आप क्लास अभी मैं ITI स्टेनो कर रहा हूँ और BSc कर रहा हूँ, और उसमें पढ़ाई का खर्चा बहुत लग रहा है, कोचिंग का भी। तो इससे पहले भी आपने प्रशासन से अपील की थी? हाँ, कई बार कोशिश कर चुका हूँ, कॉलेज के द्वारा भी कर चुका हूँ और ग्राम पंचायत के द्वारा, जनपद पंचायत के द्वारा यहाँ भी लगा चुका हूँ एक दो बार, लेकिन उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं की गई है। सारा चीज़ 10 दिन में डाल दिया जाता है। क्या नाम है आपका और कहाँ से? सचिन भार्गव। कहाँ के हो? ग्राम रामनगर। तहसील? तहसील बमोरी से। सीमांकन के लिए पहुंचे जनसुनवाई। युवक का आरोप है कि एक व्यक्ति ने शासन को चूना लगाने की नीयत से जमीन पर कब्जा कर लिया है। जनसुनवाई में पहुंचकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सीमांकन करवाया जाए। जमीन दी गई थी और उसमें भरा जमाने 6 बीघा 10,000 रुपये कस्बा कब्जा कर लिया है, जिसमें सेट एंड सन्स वालों को 2 करोड़ रुपये सिक्योरिटी लेकर 2 करोड़ रुपये लेकर सिक्योरिटी लेकर 1 लाख रुपये महीना ऐटा जा रहा है। ये सरसन का पैसा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है? इसका सीमांकन कराया जाए जल्दी से जल्दी, कब्जा नामांकन के लिए तैयार है। क्या नाम है आपको? शिव प्रताप सिंह राजी, नगर विकास समिति के सदस्य हम लोग। श्रीराम कॉलोनी से एक दलित महिला पहुंची जनसुनवाई में। साइंस सिटी कॉलोनी में रहने वाले एक मास्टर ने महिला की लड़की की तस्वीर खींची। महिला के विरोध करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। महिला का आरोप है कि उक्त शिक्षक कई बार महिला शिक्षकों से भी अभद्रता करता रहता है, विरोध करने पर नौकरी से निकाल देने की बात भी करता है। महिला का आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं होने के कारण उक्त मास्टर BJP के नेता के संबंध में होने की धमकी भी देता रहता है। मोहल्ले वासियों के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हमने ज्ञापन किया है। श्रीराम कॉलोनी में स्कूल है, वो सरकारी में खाना बांटती है, झाड़ू पोछा काम करती है, मेरी बच्ची साथ में ले जाती है, घर पर नहीं छोड़ती अकेले। वहाँ ने फोटो निकाला मेरी बच्ची का, मैंने विरोध करा तो दोनों हाथ पकड़े मेरे वहाँ चाटा, वहाँ गली जल्दी बहन बेटी मुझे गाली भी दी उसने, वहाँ बहन गंदी गंदी छिया चौथी बात तो फिर से जब से करता रहा जमार हो गए पंजाब में 3 घंटा मत लगाओ करे मत कर करे हेडमास्टर साहब कुछ नहीं बोलते। मैंने बोले लगाइए भाई तू क्या काम करे ही गाली देता है, मैंने विरोध करो तो मेरा हाथ पकड़ दो चाटे माले, आज भी देता है तो स्कूल में काम नहीं करने देता है। क्या नाम है? विजय शर्मा। क्या नाम है? विजय शर्मा है। कहाँ पर रहते हैं?
राम कॉलोनी में भी कहीं स्कूल के पीछे घर है वहाँ साइंस सिटी कॉलोनी। आपका क्या नाम? मेरे कमलेश भाई। कहाँ पे रहने वाले? राम कॉलोनी किराए दे तीन सर जी मकान ही नहीं मिले 12-13 साल किराए से ले रहे तीन महीना होगा यार जन थाने का जाए तू कके तो मुझे नया नहीं मिल दवाई राई नाम कर लो राई नाम कर लो राई नाम सर में क्यों कर लो राई नाम में नहीं कर मेरे साथ क्या हो एक लड़की और है दिवाग साथ भी किया पूरी टीचर है उसके भी फीसता है उनके साथ भी यही काम करता है वो नहीं मेरे साथ किया हो जी साहब लिख के देते हैं जी साहब बात छुपा ले डी साहब सुनते ही नहीं पा छुपा बिल्कुल एक ही बात इतने कागज देते हैं डी साहब का लिख के रख के ले जाते हैं कोई बात नहीं सुनी साहब मेरी भी नहीं सुनी आज दाव डी साहब कलेक्टर साहब ने देख तक क्या सुनवाई होता है मुझे 3 महीना कर लग रहे बोलिया आज उसके कई दिन रहे मुझे नया मिलवा नया चाहिए मुझे और कुछ नहीं पैसा तुम चाहिए भाई मैं बोल रही हूँ भाई मैं काम करूँ बार बार देगी तो भाई आपको इज्जत लूटेंगे हम तुम एक महिला की इज्जत लौट जाए यूँ क्या हो रहा है यही बोलता है बार बार धमकी देता है जब कहता है मेरे साथ तो सलू जाया हो गई मेरे कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है कोई कहता साथ सलू जाया तो काम कर तो नहीं है मुझे ही कहता बार बार मेरे साथ तो सलू जाए सलू जा काम कोई करवाए तो कर लो बचा ले तो भाई दलितों को नहीं मिल रहा मुख्यमंत्री योजना आवास का लाभ। भरोसा ने बताया कि ग्राम जांगरू में दलितों के कच्चे घर हैं। इसके बाद भी किसी को आवास योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सेक्रेटरी भी नहीं सुनता, जब उससे कुछ पूछा जाता है तो वह सही जवाब नहीं देता। हाँ बता रहा हूँ क्या हूँ ग्राम जांगरू पंचायत जांगरू प्रधानमंत्री आवास एक कुंभ मिली है एक हरिजन को पूरे इनके कच्चे धारे मकान है और जाके यार पूरे चेक करे जा पूरे के यार कच्चे मकान है पनी चल रही। कितने लोगों के लगभग? 34-38 लोग एक ही गांव से? एक ही गांव जनाव गाँव जांगरू ग्राम पंचायत जांगरू जनपद पंचायत रावगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरोसा। भुजरिया तालाब के पास अवैध मीट मार्केट की दुकान हटाने को लेकर पहुंचे जन सुनवाई में। आमजन का कहना है कि एक साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन अवैध दुकान वहीं लगी हुई है जिसके खिलाफ कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। वहां अवैध मीट मार्केट को जल्द से जल्द हटाने को लेकर रहवासी आज जन सुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे। इसको देखने नहीं कर लो ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाओ नॉर्मल। बताएं आप क्या मामला? सर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व नगर पालिका गुना के द्वारा भुजरिया तालाब मंदिर क्षेत्र पर रहवासी इलाके में अवैध मीट बाजार स्थापित करा दिया गया जिसको वहां के स्थानीय नागरिकों ने हटवाने के लिए कई बार शासन प्रशासन सबके पास गुहार लगा दी लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकला। अभी कुछ दिनों पहले 133 का जो केस माननीय SDM महोदय गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें आदेश हो गया। 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है कि नगरपालिका उसको त्वरित हटाए, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। वो जैसे का तैसा वहाँ पे चल रहा है, गंदगी चारों ओर वहाँ पे फैली हुई है, आवारा कुत्तों का वहाँ जमावड़ा लगा है जो कई लोगों को घायल कर चुके हैं। शासन प्रशासन मौन है, इसलिए आज हम अपना ज्ञापन हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उसकी इस अवैध मीट मार्केट को हटाया जाएगा और का उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मनोज सिंह राठौड़ एडवोकेट गुना। राधा कॉलोनी से महिला पहुंची जन सुनवाई में। महिला का कहना है कि उसका मकान जर्जर स्थिति में है जो कभी भी गिर सकता है। महिला का आरोप है कि जब भी वो मकान को दोबारा बनाने के लिए काम शुरू करती है तो पीछे रहने वाले लोगों के कहने पर गुना TI उसको धमकी देने पहुंच जाते हैं, जहां एक और तो पुलिस
शातिर अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रहती है, वहीं कई ऐसे केस हैं जो आज तक अंजाम पर नहीं पहुंचे हैं। फिर पुलिस के पास इतना समय कहां से आ जाता है कि वो आपस की लड़ाई सुलझवाने के लिए पहुंच जाती है। विनोद के पास कविता सिंह जाता हूँ। कहाँ रहते हैं? राधा कॉलोनी में। बताएं क्या है आपका समस्या, पूरा मामला आप बताएं जरा। मैंने ना आज से 10 साल पहले 2006 में मकान खरीदा था। वो मकान 50 साल पुराना है और इतनी जर्जर स्थिति में है कि अगर उसको तोड़ा नहीं गया तो वो कभी भी गिर सकता है और कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैंने उस मकान को बनवाने की नीयत से लेबर को बुलवाया, तो पीछे हमारे मकान के पीछे गली के बाद में मोहन एडीजे मोहन तिवारी का मकान है, तो उनके पिताजी आ गए और कहने लगे अपना मकान तोड़कर नया नहीं बनाओगी क्योंकि इस मकान से लगा हुआ हमारे भैंसों का तबेला है। तो उन्होंने अपने लड़के को फ़ोन लगा दिया, एडीजे को, एडीजे ने टीआई को फ़ोन लगा दिया और टीआई आकर घर पे हमको धमकाने लगा कि इस लेबर को भगाओ, मकान नहीं बनाओगी तुम अपना। और वो इतनी खराब स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है और अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, टीआई आकर धमका रहा है, टीआई और उसके एडीजे के गुंडे आ रहे हैं, फ़ोन पर आकर मुझे धमकी दी, फ़ोन पर भी धमकी दी उसने कि है ना ये मकान को बंद कर दो, अगर उन्होंने नहीं किया तो मुझे आत्मदाह के लिए करना पड़ेगा, मुझे मैं अपने बच्चों सहित आत्मदाह कर लूंगी अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने अव्यवस्थाओं के चलते दिया ज्ञापन। छात्राओं का कहना है कि शौचालय की सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, ना ही पुस्तकें उपलब्ध हो पा रही हैं, एक घड़ी हुआ करती थी वो भी हटा दी गई है और भी कई समस्याओं को लेकर उक्त छात्राओं ने ज्ञापन दिया। आज हम पीजी कॉलेज की छात्राओं के संयुक्त मंच है जागृति, उसकी तरफ से गर्ल्स कॉमन में जो टॉयलेट है उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है। रेगुलर किसी की सफाई ना होने के कारण उसमें बहुत गंदा हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह होने का भी डर रहता है। साथ में उसमें प्रॉपर फर्नीचर भी नहीं है और वहाँ पे पहले अखबार और मैगजीन्स उपलब्ध कराई जाती थी गर्ल्स कॉमन में गर्ल्स के लिए, वो भी बंद कर दी गई है बहुत समय से। घड़ी लगी हुई थी वो भी निकाल दी गई है। इन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि इन समस्याओं का समाधान हो। साथ में जो टॉयलेट की एक बड़ी समस्या है कि इसमें प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है, बहुत दोपहर तक तो बहुत ही गंदा हो जाता है, इसलिए उसमें प्रॉपर सफाई हो, प्रॉपर एक किसी की ड्यूटी हो सुबह शाम दोपहर उसमें सफाई हो पाए। साथ में जो मैगजीन्स वगैरह अखबार वगैरह घड़ी और इन सबकी प्रॉपर फर्नीचर की व्यवस्था हो पाए। हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी पूनम दुबे को 8 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस हाई प्रोफाइल केस की कई बातें हैं जो किसी के भी गले नीचे नहीं उतर पा रही हैं। शहर में हर किसी की जुबान पर यही सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। एक महिला इतनी दर्दनाक तरीके से 3 हत्याएं कैसे करवा सकती है? अगर कर भी देती है तो वो लाशों को बिना गाड़ी के ठिकाने कैसे लगा सकती है? अगर गाड़ी मिल भी जाती है तो किसने उसे गाड़ी दी और चलाने वाला कौन था? सभी आरोपियों की कॉल डिटेल निकाली गई है, अकेली महिला की ही कॉल डिटेल क्यों नहीं निकल पा रही है? सबसे अहम सवाल, उस महिला के साथ और कितने लोग थे? सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है यह समस्या परे है? कोर्ट परिसर में सब इंस्पेक्टर अमित अग्रवाल को इन्होंने धमकी दी थी, जिसपे एक आवेदन पत्र बना के माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेने हेतु दे दिया गया। मध्य
प्रदेश के मंदसौर में जारी किसान आंदोलन के दौरान 5 किसानों की मृत्यु के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा कल गुना नगर बंद का आयोजन किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान विरोधी नीति के कारण किसान परेशान है। शासन द्वारा किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है, जिसका नतीजा मंदसौर में किसानों की 5 मौतों से है। कांग्रेस ने मांग की है कि मृतकों को 50 लाख और घायलों को 10 लाख का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाए। कांग्रेस ने सभी नगर के व्यापारियों को बंद में सहयोग करने की भी अपील की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के चलते जो मंदसौर जिले में 5 किसानों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, कांग्रेस पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा करती है। हम सब ये मांग करते हैं कि ऐसे किसानों के परिवारों को कम से कम 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिजनों को दी जाए और जो घायल हुए हैं ऐसे किसानों को कम से कम 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इनके एक एक परिवारजन को शासकीय नौकरी दी जाए। साथ ही हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये भी मांग करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इस हालात में मध्य प्रदेश के एक भी नागरिक को इस क्रूरतम सरकार के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है और मध्य प्रदेश की जो जनता की आज इच्छा है कि इस सरकार के खिलाफ तत्काल और तीव्र विरोध किया जाए। कल उसी इच्छा के परिपालन में कांग्रेस परिवार द्वारा गुना बंद का आह्वान व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, आम युवा से और आम नागरिक से किया जा रहा है। कल हमारा आग्रह है कि दोपहर में 2 बजे तक अपने संस्थानों को बंद रख के उन 5 मृत आत्माओं के प्रति तो श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के जो 3 वर्ष पूर्व उन्होंने जनता से वायदा किया था कि किसान की फसल की लागत के ऊपर 50% लाभ फसलों के समर्थन मूल्य के तौर पे देंगे और उसके बदले में उन्होंने बोनस तक छीन करके जो किसानों के साथ कुठाराघात किया और जिसके कारण से किसानों को आंदोलन के लिए लाचार किया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी सरकार के आज की इस कृत्य की निंदा करते हुए उनसे अब आग्रह करने का समय नहीं रह गया। हम उनसे पुरजोर मांग करते हैं और चेतावनी के साथ मांग करते हैं कि वे किसानों की मांग की ओर तत्काल ध्यान दें, वरना कांग्रेस पार्टी भी जनता की आवाज़ के लिए तीव्र से तीव्र आंदोलन छेड़ने से कोई संकोच नहीं करेगी। हमारा कल समस्त व्यापारिक बंधुओं से आग्रह है कि 2 बजे तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद रख के उन 5 किसान जो शहीद हुए उन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में आवाज़ से आवाज़ मिला करके उस आवाज़ को बुलंद करें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।